हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोषण से भरपूर दूध के दलिए की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है। इसको आप सुबह नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका मन अगर शाम को हल्का फुल्का खाने का है तब भी आप इसको बना सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा यह पोषण से भरपूर होता है, बहुत ही जल्दी एनर्जी भी देता है। तो अगर आप भी दलिया बनाना नहीं जानते हो तो मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बना लोगे। तो दोस्तों, आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो दलिया बनाने के लिए मैंने पतंजलि का ये दलिया लिया हुआ है, गेहूँ का ये दलिया है। आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें दलिया को गैस का फ्लेम लो रखते हुए अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम हमको लो ही रखना है, हाई नहीं रखना, क्योंकि हाई फ्लेम पर दलिया जो होता हमारा जल जाता है। तो अच्छे से चलाते हुए हमको इसको अच्छे से भून लेना है। तो मैंने यहाँ दलिया अच्छे से भून लिया है, लगभग इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, दिखा देती हूँ पास से। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 3 कप दूध, जिसका वजन लगभग 500 ग्राम है, और 1 कप हमको पानी ले लेना है। इसको अच्छे से उबाल लेना है। तो दूध में हमारा अच्छे से उबाल आ चुका है, इसको चला लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1/2 कप दलिया, बना हुआ ये दलिया। अब इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बहुत ही ज़रा सा एक चुटकी में यह नमक ले रही हूँ। नमक से दलिया में अच्छा टेस्ट आता है। अब लगभग हमें इसको 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। अब लगभग इसमें हम 2.5 टेबल स्पून चीनी लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और लगभग 7 से 8 मिनट तक पकाना है। दलिया को हमें बीच बीच में चलाते रहना है, क्योंकि दलिया लग जाता है। दलिया को जब हम पकाएं तो गैस का फ्लेम हमको हाई रख लेना है। तो अब मैं इसमें 7 से 8 काजू ले रही हूँ, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 10 से 12 बादाम ले रही हूँ, इनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। 30 से 35 हमको किशमिश ले लेनी है। 2 इलायची ले रही हूँ, इसको अच्छे से कूट लेना है हमको। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हो। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और 3 से 4 मिनट तक और पकाना है। दलिया पकाते समय हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। तो दलिया हमारा पक चुका है, और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, पास से दिखा देती हूँ। तो अब मैं दलिया को एक कटोरे में निकाल ले रही हूँ। तो दलिया देखने में हमारे यहाँ बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दलिया बनकर हमारे यहाँ तैयार हुआ है। अब आप भी पोषण से भरपूर दलिया बना सकते हैं। दलिया जो होता है खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, पाचन के लिए भी अच्छा होता है। तो जब भी आपका हल्का फुल्का शाम के समय खाने का मन करे तो आप भी दलिया बना सकते हो। अगर आपको दूध वाला मीठा दलिया पसंद नहीं है तो नेक्स्ट जो वीडियो है मेरी पानी के दलिए वाली आने वाली है। तो अगर आपको पानी वाला दलिया बनाना नहीं आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में भी शेयर करता, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय बाय दोस्तों, अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे।